Students, in the very final example, we are checking out how to convert a mid-value series into frequency distribution. So mid-value series आपको दे रखी है, जिसमें mid-value और frequencies के कॉलम होते हैं, ये आपकी सीरीज है, आपको इसको frequency distribution में कन्वर्ट करना है। देखिएगा दो मेजर स्टेप्स होते हैं कैलकुलेशन के। पहला स्टेप होता है डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यू गिवन डिवाइड बाय 2। आप यहां देखेंगे तो जितने भी मिड वैल्यूज आपको दे रखा है उनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है 6 का। तो यहां पे जो डिफरेंस गिवन है मिड वैल्यूज के बीच में वो हो गया 6, इसका हाफ कर लीजिए 6.2 दैट इज 3। ये हो गया हमारा स्टेप 1 का आंसर 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप 1 का आंसर आया है 3, लोअर लिमिट लाने के लिए हम जितनी भी मिड वैल्यूज दे रखी है उसमें से स्टेप 1 के आंसर को माइनस करेंगे। देखिएगा मैंने मिड वैल्यूज क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, 11 है, 17 है, 23 है और 29 है। मुझे लोअर लिमिट्स लेके आनी है, उसके लिए क्या करूंगा, स्टेप 1 के आंसर को इसमें से माइनस करता हुआ चलूंगा। तो कैलकुलेशन बनेगी ये, जबकि अपर लिमिट्स लाने के लिए मुझे क्या करना है कि जो मिड वैल्यूज मुझे गिवन है क्वेश्चन में, मिड वैल्यूज जो गिवन है उसमें मैं स्टेप 1 के आंसर को प्लस करूंगा। तो मैं दोनों कैलकुलेशन में आपको यहां दिखा देता हूं। तो लोअर लिमिट्स लाने के लिए जो मिड वैल्यूज है उसमें से स्टेप 1 के आंसर को माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स के लिए प्लस करेंगे, तो कैलकुलेशन आपकी ये हो जाएगी। अब देखिएगा इसको फॉलो अप करें तो उधर से 5 - 3 = 2, 11 - 3 = 8, 17 - 3 = 40, 23 - 3 = 20, and 29 - 3 = 26। अपर लिमिट्स वाला केस हम क्यों करते हैं, 5 + 3 करेंगे बेटा 8, 11 + 3 करेंगे 14, 17 + 3 करेंगे बेटा 20, और 23 + 3 करेंगे 26, and 29 + 3 करेंगे 32। फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बेटा अनचेंज रहेगा, फ्रीक्वेंसीज का कॉलम सेम सेम हो जाएगा, 4, 8, 10, 6 and 5। सम करना चाहिए तो आप इसका सम कर सकते हैं, 4, 8, 12, 22, 28 and 33। तो ये हमने मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसी सीरीज बना ली, और ये फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में एक्सक्लूसिव सीरीज के फॉर्म में होगी। कैसे पहचाना, तो आप देख सकते हैं नंबर सेम आ रहे हैं, दैट मींस एक्सक्लूसिव सीरीज।